सबसे पहले चारकोल पेंसिल ली है, हमने कौन सी चारकोल पेंसिल ली है, यहाँ पे मीडियम ली है, ठीक है। और इसको बहुत अच्छे से हमने शार्प किया है, देखिए शार्प होनी चाहिए चारकोल पेंसिल, बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाती है, उसको अच्छे से चारकोल पेंसिल को शार्प करना होता है बार बार, ठीक है। मैं बना रही हूँ, मेरे साथ साथ आप ड्रॉ करते जाइए तो आपको आ जाएगा।
हमने कैटल, जग और कप तीनों को अच्छे से ड्राइंग ड्रॉ कर लिया है। हमने कैटल, जग और कप तीनों को अच्छे से ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। वीडियो को धीरे धीरे और जूम करके देखना तो अच्छे से आपसे बन जाएगा, बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है। अब शेडिंग स्टार्ट करेंगे हम। देखिए मैंने दोनों साइड से स्ट्रोक्स दे रही हूँ, बीच में व्हाइट पार्ट छोड़ा है, ऐसे यहाँ पर ये थोड़ा सा व्हाइट पार्ट यहाँ छोड़ रही हूँ, देन आई स्टार्ट शेडिंग। एक साथ बहुत बड़ा कर नहीं करना है पेंसिल को, लेयर वाइज लेयर करना है हमको, है ना। वैसे चारकोल पेंसिल में इजीली डार्कनेस आ जाती है, ज़्यादा लेयर दे दी कि हमको जरूरत नहीं पड़ती ग्रेफाइट की तरह, बस उसको चारकोल पेंसिल को कंट्रोल करना आना चाहिए। सो हियर यू सी, कहाँ मुझे वाइट छोड़ना था, मैंने उधर वाइट छोड़ा है ना। देखिए आराम से जूम करके देखिएगा कैमरे को ना, ये मुझे व्हाइट पार्ट छोड़ना है थोड़ा सा, तो मैं इसको सर्कल कर रही हूँ, देन आई स्टार्ट शेडिंग अगेन। कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं या शेड दे रहे हैं, वहाँ पर लाइट वाला पार्ट वाइट छोड़ देना चाहिए। जैसे ये मैंने लाइट आ रही है इस पर, इतना पार्ट को मैं वाइट छोड़ रही हूँ बीच बीच में, देखो। बाद में उसको शेड करूँगी हल्का, बट अगर स्टार्टिंग में उसको पूरा कर दिया फिर सोचें कि हम इरेजर से उसको इरेज कर देंगे तो वो प्रॉपरली आ जाएगा वाइट, वहाँ पर नहीं आएगा। अब जो पार्ट मुझे ज़्यादा डार्क करना, देखिए उस पर मैं फिर से स्ट्रोक्स दूंगी। जैसे ये इसके नीचे का है, जो कैटल के माउथ के नीचे का पार्ट है, यहाँ पर काफ़ी डार्कनेस होनी चाहिए क्योंकि उसकी शेडो है यहाँ पर। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया है लाइट टू डार्क जाना है हमको, पहले लाइट शेड देने देन डार्क। ये पार्ट मुझे लगा इसको डार्क करना चाहिए, सो आई डिड इट।
वैसे ये जग के नीचे का पार्ट, इसको भी डार्क आएगा ये यहाँ। ये पार्ट भी काफी डार्क रहेगा यहाँ। डायरेक्टली वन स्ट्रोक्स में भी स्टार्टिंग में डार्कनेस नहीं देनी है ना, पहले लाइट शेड देना, उसके ऊपर डार्क आपको करना है। ठीक है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, इसके ऊपर एक और लेयर दूंगी मैं। बट पहले हम कैटल के माउथ को देख रहे हैं। देखिए अब इसका ये तो सिंपल था, हम सीधे सीधे स्ट्रोक्स दे रहे थे यहाँ पर। कैटल के माउथ में जैसे राउंड शेप में है तो स्ट्रोक्स भी वैसे ही जाएंगे, उसी शेप में जाएंगे। नाउ कैटल का हम हैंडल देखते हैं। पहले इसका ये अपर पार्ट को भी कर ही देते हैं कंप्लीट। ठीक है, नाउ हैंडल। So almost we have done kettle. इसको मैं ब्रश या टिश्यू पेपर से नहीं कर रही हूँ, केवल अपने फिंगर के थ्रू कर रही हूँ मैं ब्लेंड, कि उससे उसकी रियलिस्टिक पूरी तरह से चला जाएगा अगर मैं करूँगी उससे ब्रश से, बहुत ब्लैक ब्लैक हो जाएगा। ब्लेंड मैंने किया और फिंगर की मदद से किया उसको मैंने।
So done. We have completed kettle. Now we are going to start shading in jug. Now we are going to draw cup. Now we are going to shade in cup. अब हम इसका बैकग्राउंड कंप्लीट करेंगे, ठीक है?
बैकग्राउंड में या तो हॉरिजॉन्टल लाइंस देनी है या वर्टिकल लाइन देनी है, ठीक है? जैसा भी सही लगे आप वैसा बैकग्राउंड बना सकते हो अपने हिसाब से। हल्का फुल्का सा बैकग्राउंड दे रही हूँ मैं। बहुत हल्के हाथ से मैं पेंसिल को होल्ड की हुई हूँ और स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ पास पास। आपको अच्छे से समझ आए इसलिए मैं थोड़ा सा जूम करके बना रही हूँ, पेंसिल मैंने कैसे ग्रिप की हुई है इसलिए। तो मैं वर्टिकल लाइन दे रही हूँ। मैं बैकग्राउंड को बहुत डार्क नहीं कर रही हूँ, आपको डार्क करना है डार्क कर सकते हैं। आप इसको अच्छे से कैमरे को जूम करके सारे ऑब्जेक्ट्स को वन बाय वन ड्रॉ करके प्रैक्टिस करिएगा। एक ही पेंसिल से कैसे पूरी एक ड्राइंग को हम कंप्लीट कर सकते हैं वो हमने आज देखा है। केवल मैंने आज एक ही पेंसिल यूज़ की है, कुछ भी यूज़ नहीं किया, ना उसमें इरेजर यूज़ किए, ना शेडिंग देने के लिए कोई टूल यूज़ किया। So we have completed our composition art today. Thank you so much for watching. Bye.